हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, कोरोना के इस दौर में हर कोई टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहता है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं LIC के लोकप्रिय टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर, जो आपको देता है काफ़ी कम प्रीमियम पर एक बड़ा रिस्क कवर। जो लोग टर्म इंश्योरेंस का मतलब नहीं जानते हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि टर्म इंश्योरेंस आपको एक निश्चित टर्म के लिए एक बड़ा रिस्क कवर देता है, जैसे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे। और उसके मुकाबले आप जो प्रीमियम देते हैं वो काफ़ी कम होता है। अगर टर्म के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो बड़ा अमाउंट का पेमेंट LIC कर देती है। लेकिन अगर डेथ नहीं होती है और पूरा टर्म ख़त्म हो जाता है तो टर्म के एंड में कोई भी पैसा नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली कोई व्यक्ति इसलिए कराता है कि उसके ऊपर भविष्य की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसके ना रहने पर पूरी की जा सके, जिससे कि परिवार को फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। इंसान तो लौट कर नहीं आता है, लेकिन उसके फ्यूचर में जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने में टर्म इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे LIC का जीवन अमर प्लान, वो भी एग्जांपल के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जीवन अमर एक रिस्क कवर प्लान है जो आपको एक निश्चित टर्म के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। इस प्लान में आप दो तरीके के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कि एक निश्चित सम एश्योर्ड आपके पूरे टर्म के लिए रहेगा और डेथ पर आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड के बराबर पैसा मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि हर साल आपका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ता रहेगा। ये दोनों हम आगे ऑप्शन को क्लियरली समझ लेंगे। दोस्तों, ये जो प्लान है इसमें स्मोकर और नॉन स्मोकर दो कैटेगरी से बीमा लिया जाता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप स्मोकर कैटेगरी लेंगे, और अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो आप नॉन स्मोकर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये तय कैसे होगा कि आप स्मोकर कैटेगरी में जाएंगे या नॉन स्मोकर कैटेगरी में, उसके लिए आपका यूरिनरी कोटिनाइन टेस्ट होगा। और ये भी ऑब्वियस है कि नॉन स्मोकर कैटेगरी का जो प्रीमियम होगा वो काफ़ी कम होगा स्मोकर कैटेगरी के मुकाबले। अब आइए दोस्तों, ये देख लेते हैं कि इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्या है। 18 ईयर से लेकर 65 ईयर तक के लोग ये पॉलिसी को ले सकते हैं। 80 ईयर तक की एज पर आपको रिस्क कवर मिलेगा। कम से कम 25 लाख का इसमें बीमा होगा और अधिकतम बीमा यानी मैक्सिमम बीमा का कोई लिमिट नहीं है। और पॉलिसी का जो टर्म है वो 10 ईयर से 40 ईयर के बीच में अवेलेबल है। देखिए, प्रीमियम जमा करने के आपके पास तीन ऑप्शन हैं। पहला, रेगुलर प्रीमियम, यानी जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल आपको प्रीमियम देना होगा। दूसरा ऑप्शन, लिमिटेड प्रीमियम, यानी कि अगर आप 10 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच का टर्म ले रहे हैं तो आप चाहे तो टर्म से 5 ईयर कम प्रीमियम जमा कर सकते हैं। दूसरा, उसमें ऑप्शन ये भी है कि अगर आप 15 ईयर से 40 ईयर का टर्म ले रहे हैं तो आप टर्म से 10 ईयर कम प्रीमियम जमा कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, सिंगल प्रीमियम, जिसमें आप एक बार में ही पूरे टर्म का पैसा जमा करना होता है, तो आप चाहें तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ले सकते हैं इस पॉलिसी पे। डेथ बेनिफिट, जो डेथ बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि जितने की पॉलिसी ली है उतना पैसा डेथ के केस में ज़रूर मिलेगा। सम एश्योर्ड दो तरीके से होगा,
ये आपको पॉलिसी लेने के समय ही दोस्तों बताना पड़ेगा। पहला जो होगा वो लेवल सम एश्योर्ड, यानी जो सम एश्योर्ड आपने पॉलिसी लेने के समय लिया है वही सम एश्योर्ड पूरे टर्म में रहेगा। दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, यानी कि पहले 5 साल तक जो सम एश्योर्ड है वो वही रहेगा। 6th ईयर से 15th ईयर के बीच का जो समय है सम एश्योर्ड का, उसमें 10% हर साल बढ़ेगा। 15 ईयर से ऊपर चलने के बाद जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो चुका होगा। वो सम एश्योर्ड पूरे टर्म में आगे कांस्टेंट रहेगा। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और पहले 5 साल में डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ मिलेगा। अगर 6वें साल में डेथ होती है तो 1 करोड़ 10 लाख मिलेगा। 7वें साल में डेथ होती है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा करते करते अगर 10वें साल में डेथ होती है तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा, और 15वें साल में अगर डेथ होती है तो 2 करोड़ रुपए मिलेगा, और 16 साल से आपका आगे बचे हुए टर्म तक 2 करोड़ का बीमा चलता रहेगा। अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया है कि टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी का कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप चाहे तो इस प्लान के साथ कोई छोटी एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हैं, जिससे कि अगर मैच्योरिटी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे वाले पॉलिसी की मैच्योरिटी से आपका इतना पैसा ज़रूर मिल जाएगा जो आपने दोनों पॉलिसी में मिलाकर जमा किया होगा, वो आपको उस तरीके से रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो जाएगा कि मतलब दोनों पॉलिसी मिलाकर आपने जो प्रीमियम जमा किया है वो आपको पैसा मिल जाएगा। इसके लिए आप किसी भी अच्छे LIC एजेंट से संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्टली अपने पास वाले LIC ऑफिस में भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए अलग वीडियो भी हम अपने चैनल पे आपको बना देंगे। जीवन अमर प्लान में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेने का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आप चाहें तो 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। मतलब इसका ये होता है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान दुर्घटना से यानी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड का डबल पैसा मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और टर्म के अंदर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 2 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि 1 करोड़ से ऊपर आप एक्सीडेंटल राइडर नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ सिंगल प्रीमियम वाले ऑप्शन में एक्सीडेंटल राइडर उपलब्ध नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ना रहने पर नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में डेथ बेनिफिट मिले तो आप 5 साल, 10 साल या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में भी डेथ बेनिफिट लेने का ऑप्शन पॉलिसी लेने के समय दे सकते हैं। देखिए, शुरुआत में आपको बताया कि प्रीमियम आप रेगुलर, लिमिटेड या सिंगल प्रीमियम तरीके से भर सकते हैं। अगर आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन लेते हैं तो आप प्रीमियम ईयरली या हाफ ईयरली मोड में ही जमा कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में मंथली या क्वार्टरली मोड में प्रीमियम लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। आइए एक एग्जांपल के साथ सिंगल प्रीमियम को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर 30 साल के व्यक्ति ने सिंगल प्रीमियम देकर 40 साल के लिए 1 करोड़ रुपए का जीवन अमर प्लान लिया तो उसको करीब 3,10,000 रुपए जमा करने होंगे और उसको अगले 40 साल तक 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर मिल जाएगा। अब लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन का एक एग्जांपल देखा जाए तो अगर आप पॉलिसी टर्म से 10 साल कम प्रीमियम जमा करते हैं और 1 करोड़ का प्लान लेते हैं तो 40 साल के रिस्क कवर के लिए एक 30 साल के व्यक्ति को 22,900 रुपये के आसपास प्रीमियम देना होगा और ये प्रीमियम उसको 30 साल तक देना होगा। लेकिन
रिस्क कवर जो है वो 40 साल तक चलेगा। और अगर रेगुलर प्रीमियम का एक एग्जांपल देखें और रेगुलर प्रीमियम की बात की जाए, तो 40 साल के व्यक्ति को अगले 40 साल के लिए 1 करोड़ का जीवन अमर प्लान लेना है तो प्रीमियम करीब 44,000 साल का आएगा और अगले 40 साल तक उसको 1 करोड़ का रिस्क कवर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था LIC का जीवन अमर प्लान जो एक टर्म इंश्योरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।